दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। दोस्तों, नर्सरी राइम्स जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल आप सभी ने सुने ही होंगे। ये वो कविताएं हैं जिन्हें स्कूलों में छोटे बच्चों का मन बहलाने के लिए गाया जाता है, लेकिन इनमें से अधिकतर नर्सरी राइम्स सुनने में जितने मीठे लगते हैं उनके पीछे की काली सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावनी है, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे ही नर्सरी राइम्स से रूबरू करवाएंगे। थ्री ब्लाइंड माइस, थ्री ब्लाइंड माइस, सी हाउ दे रन, सी हाउ दे रन, दे ऑल रन आफ्टर द फार्मर्स वाइफ हु कट ऑफ देयर टेल्स विद अ कार्विंग नाइफ। डिड यू एवर सी सच अ थिंग इन योर लाइफ एज थ्री ब्लाइंड माइस। दोस्तों, ये नर्सरी राइम सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसके पीछे की कहानी इससे कहीं ज्यादा दिल दहला देने वाली है। ये कहानी ब्रिटिश इतिहास से जुड़ी हुई है। इस कविता में द फार्मर्स वाइफ किंग हेनरी की बेटी क्वीन मैरी ट्यूडर को कहा गया है। माना जाता है कि सन 1609 में मैरी ट्यूडर बहुत ही कट्टर और एक जालिम किस्म की महारानी हुआ करती थी, जिसका खौफ पूरे राज्य में फैला हुआ था। इसी कारण उसे लोग ब्लडी मैरी के नाम से जानते थे, क्योंकि वो अपने विक्टिम्स को बुरी तरह टॉर्चर किया करती थी और उन्हें टॉर्चर करने में उसे बहुत मजा आता था, और जो भी उसका विरोध करता उसे वह एक दर्दनाक मौत देती थी। इस कविता में थ्री ब्लाइंड माइस मैरी ट्यूडर के तीन दरबारियों को कहा गया है, जिन्होंने उसकी क्रूरता का जमकर विरोध किया और उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची, और इसी के चलते उन तीनों का अंत बहुत ही भयानक हुआ। जैसा कि इस कविता में आगे कहा गया है, हु कट ऑफ देयर टेल्स विद अ कार्विंग नाइफ, लेकिन वास्तव में मैरी ट्यूडर ने उन तीनों दरबारियों को जिंदा जलाकर मार डाला था। रॉक अ बाई बेबी ऑन द ट्री टॉप, व्हेन द विंड ब्लोस द क्रेडल विल रॉक, व्हेन द बाउ ब्रेक्स द क्रेडल विल फॉल, एंड डाउन विल कम बेबी क्रेडल एंड ऑल। दोस्तों, ये नर्सरी टाइम अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है कि 17वीं सदी में इंग्लैंड में हो रही एक रिचुअल के दौरान एक नवजात बच्चे की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी और उसकी मां को इस बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुका है, इसलिए वह अपने मरे हुए बच्चे को एक जिंदा बच्चे की तरह पालने लगी और रोज उसे बास्केट में रखकर झूला झूलने के लिए पेड़ पर टांग दिया करती थी, इस उम्मीद में कि उसका बच्चा एक दिन जिंदा हो जाएगा। आगे इस कविता की लाइंस, व्हेन द बाउ ब्रेक्स द क्रेडल विल फॉल एंड डाउन विल कम द बेबी क्रेडल एंड ऑल के मुताबिक, तेज हवा और बच्चे के भार से पेड़ की डाली टूट गई और उसका बच्चा नीचे गिर गया, लेकिन कभी जिंदा नहीं हुआ। वहीं एक और मान्यता के अनुसार ये कविता एक ब्रिटिश कॉलोनिस्ट द्वारा लिखी गई थी, जिसमें वो बताता है कि उस समय अमेरिका की महिलाएं खेत में काम करते समय अपने बच्चों को झूला झूलने के लिए पेड़ पर टांग दिया करती थीं, और अक्सर तेज हवा और बच्चों के भार से पेड़ की डाली टूट जाने पर बच्चों की गिरकर मौत हो जाती थी। ऐसा भी माना जाता है कि ये कविता ग्लोरियस रेवोल्यूशन से ठीक पहले की घटनाओं के बारे में बताती है। इस कविता में बेबी शब्द एक अज्ञात बच्चे को कहा गया है, जिसे 17वीं सदी में ब्रिटेन के राजा जेम्स 7 के दौरान किडनैप करके लाया गया था। किंग जेम्स एक बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी राजा था। कहा जाता है कि अपने राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए उसने उस अज्ञात बच्चे का किडनैप करवाया था। आगे इस कविता में द विंड शब्द किंग जेम्स के भतीजे विलियम को बताया जाता है, जिसने बाद में किंग जेम्स को हराकर उसके राज पर कब्जा कर लिया। आखिर में इस कविता में क्रेडल शब्द उस समय के यूरोपियन रॉयल हाउस को कहा गया है। रिंग अराउंड द रोजी अ पॉकेट फुल ऑफ पोजीज
ashes ashes we all fall down। कहा जाता है कि इस कविता का संबंध 14वीं सदी में यूरोप में हुई ब्यूबोनिक प्लेग और ब्लैक डेथ से है, जिसमें 75 से 200 करोड़ लोग प्लेग की बीमारी से मारे गए थे। इस घटना के मुताबिक रिंग अराउंड द रोजी का मतलब है प्लेग से पीड़ित लोगों के शरीर पर गोल आकार के लाल लाल निशान। द पॉकेट फुल ऑफ पोजीज उन पौधे और जड़ी बूटियों को बताया जाता है जिनकी मदद से इस बीमारी का इलाज किया गया होगा। और आखिर में एशेस एशेस वी ऑल फॉल डाउन का मतलब है कि प्लेग से पीड़ित लोग एक के बाद एक दर्दनाक मौत मरते गए, जिसके बाद उनकी लाशों को जला दिया गया। हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात को पूरी तरह से सच नहीं मानते, क्योंकि इस कविता की और भी कई वर्जन्स हैं जिनका दूर दूर तक यूरोप की ब्लैक डेथ वाली घटना से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि अगर इस कविता की दूसरी वर्जन को देखा जाए तो इसकी लाइंस कुछ इस प्रकार हैं। अ रिंग और रोजेस, अ पॉकेट फुल ऑफ पोजीज, वन फॉर जैक एंड वन फॉर जिम एंड वन फॉर लिटिल मॉसेस, अ कर्ची इन एंड अ कर्ची आउट एंड अ कर्ची ऑल टुगेदर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कविता में कोई भी शब्द या लाइन ऐसी नहीं है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस कविता का संबंध यूरोप की ब्लैक डेथ वाली घटना से रहा होगा। लेकिन इन बातों में कितना सच है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा भी माना जाता है कि इस कविता का संबंध सेकेंड वर्ल्ड वार से है। जेसिका नेल्सन नाम की एक महिला ने यह दावा किया कि उन्हें उनकी टीचर से यह पता चला कि इस कविता का संबंध सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंप से है, जिसके मुताबिक रिंग अराउंड द रोजी का मतलब है कि नाजियों ने कैदियों को घेर कर उन्हें मार डाला था। अ पॉकेट फुल ऑफ पोजीज का मतलब है कि कैदियों को मारने के बाद उनकी लाशों की बदबू को छुपाने के लिए उन्हें फूलों से ढक दिया गया था। और आखिर में एशेस एशेस वी ऑल फॉल डाउन का मतलब है कि आखिर में उनकी लाशों को जला दिया गया। दोस्तों, अगर आप भी इस कविता के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैरी मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद सिल्वर बेल्स एंड कॉकल शेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। इस कविता के पीछे की कहानी भी क्वीन मैरी ट्यूडर की क्रूरता और उसके द्वारा टॉर्चर किए गए लोगों से जुड़ी है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मैरी ट्यूडर एक बहुत ही जालिम किस्म की रानी थी और उसे अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आता था, और जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता उसे वह एक दर्दनाक मौत देती थी जिससे पूरा इलाका कांप उठता था। इस कविता की लाइन हाउ डज योर गार्डन ग्रो में गार्डन शब्द एक कब्रिस्तान को कहा जाता है जहां मैरी ट्यूडर अपने विक्टिम्स को मारने के बाद दफना दिया करती थी, और इन्हीं मौतों के कारण उसका ये सो कॉल्ड गार्डन मतलब कब्रिस्तान बढ़ता जाता था। आगे इस कविता में सिल्वर बेल्स और कॉकल शेल्स उन हथियारों को कहा जाता है जिनसे वो अपने विक्टिम्स को टॉर्चर किया करती थी। यहाँ सिल्वर बेल्स थंब स्क्रू नाम के हथियार को कहा जाता है जिसके द्वारा विक्टिम्स की पांचों उंगलियों को बुरी तरह कुचल दिया जाता था, और कॉकल शेल्स उन हथियारों को कहा जाता है जिनसे विक्टिम्स के प्राइवेट पार्ट्स को गहरी चोट पहुंचाई जाती थी। आगे की लाइन प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो उन विक्टिम्स को कहा जाता है जिनको मौत की सजा देने के लिए लाइन में खड़ा किया जाता था। कहा जाता है कि उन विक्टिम्स को मौत की सजा गिलोटिन नाम के हथियार से उनका सिर काट कर दी जाती थी, या फिर उनको पिलर से बांधकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, जैसा कि उसने अपने तीन दरबारियों के साथ किया था, और ये उस समय की सबसे भयानक सजा हुआ करती थी। हालांकि एक और थ्योरी के मुताबिक इस कविता की कहानी जीसस क्राइस्ट के जन्म और उनकी माँ मैरी से जुड़ी हुई है, जहाँ सिल्वर बेल्स चर्च में इस्तेमाल की जाने वाली घंटियाँ या फिर बच्चों का मन बहलाने वाली घंटियों को कहा गया है, और प्रेटी मेड्स उन महिलाओं को कहा गया है जो जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के समय वहां मौजूद थी। वहीं एक और मान्यता के अनुसार इस कविता का संबंध स्कॉटलैंड की क्वीन मैरी से है, जिसमें सिल्वर बेल्स और कॉकल शेल्स शब्द उसकी ऐशो आराम वाली जिंदगी को दर्शाते हैं, और प्रेटी मेड्स ऑल इन ए रो उसकी चार नौकरानियों को कहा गया है जिन्हें उस समय द फोर मैरीज भी कहा जाता है। हालांकि मैरी ट्यूडर की कहानी के अलावा
इन दो मान्यताओं में कितनी सच्चाई है इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन माई फेयर लेडी। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है कि इस कविता का रहस्य लंदन ब्रिज से ही जुड़ा हुआ है। हालांकि इस कविता को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस मान्यता के अनुसार वाइकिंग्स 8वीं से 11वीं सदी के बीच उन लुटेरों को कहा जाता है जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में रहा करते थे। वे अक्सर आसपास के इलाकों में लूटपाट और कब्जा कर लेते थे। कहा जाता है कि उन लोगों ने हमला करके लंदन ब्रिज को तबाह कर दिया था। वहीं इस कविता की एक और वर्जन भी है, लंदन ब्रिज इज ब्रोकन डाउन गोल्ड इज वॉन एंड ब्राइट रीनोन शील्ड्स री साउंडिंग वॉर हॉर्न्स साउंडिंग हाइल्ड इज शाउटिंग इन द डिन एरोस सिंगिंग मेल कोर्ट्स रिंगिंग ओडिन मेक्स और ऑलिफ विन। दोस्तों, इस कविता की दूसरी वर्जन को देखने के बाद इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि 11वीं सदी में नॉर्वे के बादशाह किंग ओलफ ने इस ब्रिज पर हमला करके इसे तबाह कर दिया होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि इस कविता का संबंध लंदन ब्रिज के निर्माण के वक्त नवजात बच्चों की बलि से है। कहा जाता है कि इस ब्रिज के निर्माण के समय कई नवजात बच्चों को बलि के तौर पर इस ब्रिज में जिंदा दफन कर दिया गया था। माना जाता था कि ऐसा करने से ब्रिज और भी मजबूत बनता है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है जिससे यह साबित हो सके कि क्या वाकई में उस समय नवजात बच्चों की बलि चढ़ाई गई थी। वहीं एक और मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि ये ब्रिज समय के साथ साथ पुराना और कमजोर हो चुका था और साथ ही साथ नदी में धंसता जा रहा था। साल 1633 में यहाँ आग लगने से ये ब्रिज बुरी तरह बर्बाद हो गया। हालांकि इसकी मरम्मत तो होती रही, लेकिन साल 1831 में सरकार ने इसकी जगह एक नया ब्रिज बनवा दिया। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।